संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली सांसद मोहन डेलकरना अपघात प्रकरण में सेलवास खाते संघ प्रदेश कांग्रेस समिति ए बोलावेली पत्रकार परिषद में अपघात प्रकरण में प्रशासक प्रफुल्ल पटेल तथा केन्द्र की भाजप सरकार तथा भाजपा के नेताओं जवाबदार होवानो आक्षेप करी तेमनी सामे कड़क कार्यवाही करवानी मांगणी करी हती। दादरा नगर हवेली कांग्रेस समिति प्रमुख प्रफुल्लभाई तोकियाए जणाव्युं हतुं के सांसद मोहन डेलकरना अपघात प्रकरण में मात्र केन्डल मार्च काढवाथी डेलकर परिवार ने न्याय नहीं मळशे। आ प्रकरण में आरोपी ने सजा आपवा माटे गांधी चिंदिया मार्गे आंदोलन करवा रोड पर उतरवू पड़शे। वधुमां कांग्रेस समितिए जो सांसद मोहन डेलकरना अपघात प्रकरण में आरोपी सामे कार्यवाही करवामां नहीं आवे तो कांग्रेस समिति द्वारा आंदोलन करवानी चीमकी उच्चारवामां आवी हती। हवेली कांग्रेस समिति की ओर से सभी मीडिया साथियों का आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर मैं आपके समक्ष आया हूं। कई मीडिया साथियों का पिछले कई दिनों से बात भी फोन आ रहे थे कि जो दादरा नगर हवेली में सांसद स्वर्गीय मोहन डेलकर के आत्महत्या मामले में जो ये हादसा हुआ है उसमें कांग्रेस की क्या और से क्या बात रखनी है क्या है, लेकिन मैंने अभी बारह तेरह दिन के बाद जो भी है दूंगा जवाब ऐसा, तो उसी को सिलसिले लेकर मैंने आज एक कॉन्फ्रेंस रखी है। बहुत ही कुछ बातें हैं जो दादरा नगर हवेली की जनता जानना चाहती है, प्रदेश का प्रत्येक वर्ग इस जो दादरा नगर हवेली के सबको पता है कि स्वर्गीय सांसद मोहन डेलकर जी से मेरे वैचारिक मत देखते हैं और जो भी बोलना है जो भी कहना वो मीडिया के सामने जाहिर है। वो फिर भी आज प्रदेश के बड़े नेता हैं और विशेष में आदिवासी समाज के नेता हैं, और अगर प्रदेश का इतना बड़ा व्यक्ति इस तरह से कर लेता है तो बिल्कुल ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी निंदा भी करेंगे और साथ ही दुख भी हम प्रकट करते हैं इसको लेकर। आज जो आपके सामने मुझे जो बात रखनी है जिसमें चार पांच बातें बहुत खास है, जिसमें मोहन भाई डेलकर के मामले में महाराष्ट्र गवर्नमेंट या महाराष्ट्र पुलिस द्वारा जो प्रथम पुष्टि जो हुई है, प्रथम पुष्टि में यह पाया गया है कि उन्होंने आत्महत्या की है, ऐसा मीडिया के माध्यम से या फिर जो सरकार के कुछ लोग हैं या बड़ी पार्टियों के लोग, और इसमें हमारे कांग्रेस हाई कमान ने भी बातें रखी है। लेकिन इसमें ये बातें मैं दादरा नगर हवेली में कांग्रेस समिति की ओर से बहुत ही जवाब के साथ आपके सामने बातें करने जा रहा हूं कि सर्वीय सांसद को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा, ये वास्तव में आत्महत्या नहीं बल्कि एक हत्या कही जाएगी। और मोदी सरकार प्रशासक प्रफुल्ल पटेल एवं मंडली की बात आती है और भाजपा के कुछ नेता इसमें जिम्मेदार है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आज अभी तकरीबन 14 से 15 दिन हो गए हैं और अभी तक इस मामले की कोई ठोस कानूनी कार्यवाही नहीं हुई है। आदिवासी नेता और सात बार के सांसद इतने सीनियर नेता होने के बाद भी सिस्टम को हर तरह से जानने और पहचानने वाले नेता, ऐसा क्या हुआ था उनके साथ और क्या होने वाला था उनके साथ जो उन्होंने आत्महत्या का रास्ता चुना। देश में कानून व्यवस्था थी, संसद के पटल पर बात रखी थी पर शायद स्पीकर और सरकार ने नहीं सुना, तो उनके सामने नेशनल मीडिया थी, स्थानीय मीडिया थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सारी बातें वो रख सकते थे। अगर वहां भी कोई सुनवाई नहीं होती या नहीं हो रही थी तो विकल्प था जनता को रोड पर उतारने का, जन आंदोलन के माध्यम से और असहयोग आंदोलन चलाकर तानाशाह प्रशासक प्रफुल्ल पटेल और मंडली को घेराव कर सकते थे, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। उसके आगे ये भी कहना चाहता हूं कि आज पूरे दानव को अगर इस तरह से अगर पूरा प्रदेश के सांसद को प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को नहीं सुना जा रहा था तो गांधी जी ने मार्च से 10 से 15 दिन के लिए जनता को रोड पर उतार कर चौकअप कर सकते थे। जब अगर खुद सांसद को आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है तो इससे बड़ी ये तो नहीं हो सकती है, तो सांसद ने ऐसा क्यों नहीं किया और सीधा आत्महत्या कर ली, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल उठता है कि सिर्फ आत्महत्या ही कोई ये उसका निराकरण नहीं था,
जनता थी, आंदोलन थे, लोकतंत्र की व्यवस्था है, संविधान है, कानून है, लेकिन ऐसा ना सब इसको पर ये चर्चा ना करते हुए सीधा ये जो उन्होंने ये सुसाइड कर लिया है, इससे काफी सवाल खड़े होते हैं। इसके साथ ही मुझे ये भी कहना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र की मोदी सरकार के राज में लोकशाही संविधान और कानून से खिलवाड़ करने वाले बड़े अधिकारी और उनके चहेते नेताओं को संविधान और कानून का डर नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। और बड़े दुखी बात है कि दादरा नगर हवेली मोदी सरकार से सीधे ताबे में आता है और विकास का सारा श्रेय मोदी सरकार और प्रशासक प्रफुल्ल पटेल लेते हैं। अभी ये पिछले जब से यहाँ पर प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की नियुक्ति हुई है तब तक यहाँ पर मोदी सरकार के कार्यकाल में जब ये विषय 7 साल होने जा रहे हैं, अब तक प्रदेश के 2 क्लास 1 अधिकारियों ने सुसाइड किया है और तीसरा सबसे बड़ा कि प्रदेश का बाहोस नेता की बात आती है, 7-7 बार के सांसद को ये कदम उठाना पड़ रहा है, तो ये तीनों आत्महत्या जो लोगों ने की है उनका जिम्मेदारी कौन लेगा?